बहुत सी चीजें होती है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन हमें उनके साथ रहना पड़ता है। आप बुरी चीजों को बदल नहीं सकते, बस उनसे बचने का तरीका है। जिस तरह हर फूलों के शाखाओं में कांटे होते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी हर तरह के कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। अगर आप हर बुराई से लड़ने लगे तो आप अपना कीमती समय गंवा देंगे। तो प्लीज आप अपने समय को बचाएं। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, या फिर कहूं तो बहुत कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है। जैसे आपने कभी रॉकेट को उड़ते हुए देखा है, जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने निचले हिस्सों को छोड़ देता है, और जब वह अपने निचले हिस्से को छोड़ता है तो वह काफी हल्का हो जाता है, फिर धीरे धीरे अपने हर पार्ट को छोड़ते जाता है और तब जाकर वह ऑर्बिट में स्थापित होता है। ठीक उसी तरह हमें भी अपने लाइफ में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। हम हर छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं। अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया तो टेंशन ले ली, हमारे घर में अगर कोई हमारे बातों को इग्नोर कर दिया तो टेंशन ले लेते हैं, समाज में किसी ने मुझे दर्जा नहीं दिया तो टेंशन ले लेते हैं, कलीग ने मेरा मजाक बना दिया या मुझ पर हंस दिया तो टेंशन ले लेते हैं। तो यह टेंशन हमारे लाइफ का सबसे बड़ा कारण बन गया। तो प्लीज आप लाइफ में टेंशन ना लो। बड़ा बनने के लिए हल्का होना बहुत जरूरी है, जो हम सभी के लिए जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन में लिमिटेड वजन ले जाने की अनुमति होती है, क्यों? ताकि वो फ्लाई कर सके। अगर उसमें पूरा सामान भर दिया जाए तो वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। एक ट्रक में भी अगर हम ओवरलोड कर दें तो वह स्पीड नहीं पकड़ पाएगा। ठीक उसी तरह हमें भी लाइफ में स्पीड पकड़ने के लिए ओवरलोड नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और बड़ा बन सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, नजरअंदाज करना। हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं तो कुछ निगेटिव, जो कि हमारे हर खुशी में, हमारे हर जीत में बाधा बनते हैं। जैसे अगर आपको हजारों लोग कह रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे, आपकी सिलेक्शन होगी, अगर कोई एक इंसान कह दिया कि मैं दावे के साथ कर रहा हूं आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप हजारों लोगों की बात नहीं सुनते हैं और एक इंसान के बातों को दिल पर लेकर बैठते हैं, क्योंकि वो दावे के साथ कर रहा है, उसके बातों में कॉन्फिडेंस है और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो प्लीज आप खुद में कॉन्फिडेंस लाइए और आप हर निगेटिव थॉट्स को छोड़कर अपने आप में पॉजिटिव थॉट लाएं, तभी आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।